जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और आप दोस्तों की खिदमत में शहर इक़्तदार से हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्रेट्रेट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। मुज़ाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपनी तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। इन मुज़ाहिरीन में एक बड़ी तादाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की भी है, और उसके अलावा बहुत सारे सरकारी मुलाज़मीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपनी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले वज़ीरे इत्तला'आत व नशरियात शिबली फराज़ भी यहाँ पर आए, जिनको मुज़ाहिरीन ने घेर लिया। आप मेरे कम में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की और रेंजर्स की एक बहुत बड़ी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन आएँ, आपको दिखाते हैं यहाँ के जो मुज़ाहिरीन हैं, जो यहाँ के जो एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं, हम उनको उनके रिमार्क्स जानने की कोशिश करते हैं। कायदीन को इन्होंने रातों रात उठा लिया। हमारा मुतालबा सबसे पहले कि हमारे रहमान बाजवा साहब, निसार साहब और हमारे शाह साहब कायदीन है, हमारे साथी लेबर यूनियन के उनको रात को उठा लिया। सबसे पहले उनको रहा करें। चेंज नहीं हुआ, आपने 20% 40% करें। हम आप लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं, हम लोग अपना माई बाप समझते हैं आप लोगों को। अब इसका ये मतलब ये हमारा हक है, दो साल मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, दो साल हो गए सर, वेट कर रहे हैं, लोगों को वोट दिए। महंगाई की दर बढ़ गई है, हमारा गलत मुतालबा नहीं है सर, पाकिस्तान नहीं मांग रहे, बंगला गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं मांग रहे। बिल्कुल सर, एक जायज तनख्वाह सर, 23,000 में सर गुजारा होता है। बात हो रही है, चुप हो जाओ। सर अभी भी लोग पकड़ रहे हैं, सर अभी भी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। बात सुने, खामोश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोजाना की बुनियाद मैसेज में महंगाई को भी कम करें, और ये जो कल मेरे कैबिनेट की ब्रीफिंग भी दी थी उसमें भी तय हुआ था कि आपकी जो फिटर जो हम आने वाले बजट में हम महंगाई अभी जो सर आने वाले बजट तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे सर। पहले हमारे बंदे रहे, फिर हम कुछ आगे सोचेंगे। सर गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाएं। सर हम 23,000 में क्या करके काम कर रहे हैं बताएं आप। सर तनख्वाह तो की काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी है जनाब। हम सर खुदा की कसम के इमरान खान के वोट के लिए स्पेशल पिशावर गया हूँ। 1200-1500 रुपए सर 1800 देने हो गया। मैं खुदा की कसम के मैं पैर रात को चौकीदारी करता हूँ, और दिन को इधर मैं आपका 1800 सर्विस हो गया और 24,000 रुपए तनख्वाह है सर। अब इतना सर महंगाई हो गया, 5-6 बच्चों के ऐसे कैसे वाले साहब को रहा। जिस जगह का किराया किसी का, पेट्रोल का रेट देखें, आटे तेल का रेट देखें, मेडिसिन सबसे महंगी है, मेडिसिन महंगी है, क्लीन सबसे मुश्किल है, चीनी महंगी। क्या गरीबों के पैकेज।